फ्रेंड्स, अब आपके पास 11 क्वेश्चन है, तो देखें 2x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो फ्रेंड्स, अब ये भी हो सकता है कि हम y को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ये पॉजिटिव हो गया, तो अब इजीली वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है और पुट करनी है। फ्रेंड्स, पुट करके शो नहीं कर रही, डायरेक्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर रही हैं। एक्स की वैल्यू सपोज करेंगे वाई की, पहले एक्स की माइनस वन पुट की तो वाई की क्या आ गई, माइनस टू। एक्स की ज़ीरो पुट की, वाई की क्या आ गई, ज़ीरो। एक्स की वन पुट की तो वाई की क्या आ गई, टू। तो स्टूडेंट्स, इसका आप ग्राफ देख लें, हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री। स्टूडेंट्स, अगर हम स्केल का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारी जो गिवन वैल्यूज है ना, उनके पॉइंट इजीली ज्वाइन नहीं होंगे, तो हमारी लाइन सीधी नहीं बनेगी। जितने ही ये स्केल हम एक्यूरेट लेंगे, उतनी ही लाइन हमारी एक्यूरेट ड्रॉ होगी। पहला पॉइंट माइनस वन और टू पे, माइनस वन और ये रहा माइनस टू। उसके बाद ज़ीरो ज़ीरो पे, ये रहा ज़ीरो ज़ीरो। उसके बाद वन और टू पे, ये रहा वन और टू। अब इन पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया, थोड़ा सा ऊपर को एक्सटेंड करते हुए, थोड़ा सा नीचे को एक्सटेंड करते हुए, ये ड्रॉ हो गई आपके पास लाइन। ये पॉइंट था आपके पास माइनस वन और माइनस टू, ये पॉइंट था ज़ीरो ज़ीरो का, और स्टूडेंट्स ये पॉइंट था वन और टू का। तो ये लाइन आपने जो ड्रॉ की वो क्या है, टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, क्वेश्चन 9। स्टूडेंट्स, पहला ही क्वेश्चन, अब आपके पास 4 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। 1 एकड़ इज इक्वल टू 0.4 हेक्टर। तो अब आपने स्टूडेंट्स इसको चेंज कर लेना है वैल्यूज को अपने वेरिएबल में। इसको मैंने x कह दिया, नहीं स्टूडेंट्स आप इंडिपेंडेंट, इसको y ही कहें, क्या कहें इसको, y, और 0.4 को x कह दिया। ये y है और ये क्या है, x। फिर आपने वैल्यू टर्म्स ऑब्टेन करनी है। ऑब्टेन करने के लिए देखें x और y, एकड़ और हेक्टर, ये एरिया होता है स्टूडेंट, ठीक है। इस एरिया को एक्स ज़ीरो लिया तो वाई ज़ीरो आ गया, एक्स वन लिया तो वाई आ गया 0.4 आ गया। तो एक्स को मैंने अगर टू लेती हूँ तो वाई मेरे पास आ जाता है 0.8। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, ग्राफ बना रही हूँ मैं इसका। एक्स एक्सिस पे मैंने किसको रिप्रेजेंट किया, हेक्टर्स को। किसको रिप्रेजेंट किया स्टूडेंट्स, हेक्टर्स को, हेक्टर। और वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स मैंने रिप्रेजेंट किया किसको, एकर्स को, एकर्स को। एक्चुअली ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में मेरे पास वैल्यू पॉइंट्स में आ रही है, तो सो मैंने पॉइंट्स में शो कर ली 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6, 0.7, ये पॉइंट मेरे पास आ गया 0.8, ठीक है। अब स्टूडेंट्स उसके बाद इधर आ गया मेरे पास नीचे 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब देखें 0 पे 0,
1 पे कितना है 4, 1 पे मेरे पास पॉइंट आ गया 4, और उसके बाद 2 पे कितना है 0.8, ये रहा 2। तो इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया, फ्री हैंड ज्वाइन करी, इसलिए स्टूडेंट्स मेरी लाइन थोड़ी स्टेडी हो रही है। आप लोगों ने स्केल का यूज करना है, स्केल से इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है स्केल रखते हुए। तो ये मेरे पास आ गया ग्राफ, किसका निकाला मैंने, 0 0 1 0 4 2 0 8, जबकि क्या था आपके पास 1 acre इज इक्वल टू 0.4 hectare, हेक्टर। ये क्वेश्चन कंप्लीट। स्टूडेंट्स आप ये क्वेश्चन को देखें, सेल्सियस की वैल्यूज पोस्ट करते हुए फॉरेनहाइट की वैल्यूज निकालूंगी, सेल्सियस की स्पोज की फॉरेनहाइट की निकली। पहली 0 पुट की तो फॉरेनहाइट की मेरे पास आ गई 32। उसके बाद अब देखें, पुट करके शो कर देती हूँ स्टूडेंट्स। उसके बाद मैंने 5 पुट की, सेल्सियस की वैल्यू क्या ली स्टूडेंट्स, 5 ले ली, 5 ली, 5 से 5 कैंसल आउट हो गया, 32 में आपने 9 ऐड किए तो 41, मतलब कितनी आ गई 41। मैंने वो टर्म ले लिया जो इजीली इस डिनोमिनेटर को कैंसिल कर दे। उसके बाद मैंने ले ली 10, सेल्सियस की वैल्यू क्या ले ली 10, 10 ने इसको काटा 2, 18 प्लस 32, इन दोनों को ऐड किया 50 आ गया, 50 आ गया स्टूडेंट्स। इसका ग्राफ ड्रॉ कर देंगे अब हम। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। स्टूडेंट्स आप इसमें 1 यूनिट से ज़्यादा लार्ज यूनिट्स भी ले सकते हैं। ये एक्स है जिसको हमने सी से डिनोट किया है, ये आपके पास वाई है जबकि आप इसको फॉरेनहाइट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसकी वैल्यू 10, 20, 30, 40 एंड 50 ले लें। देखिए स्टूडेंट्स 0 पे उसकी वैल्यू 32 थी, 0 पे क्या थी, x की वैल्यू 0 थी उसकी 32 थी, ये लें ये 32 आ गया। उसके बाद 5 पे उसकी कितनी थी 41, 5 पे कितनी थी 41, ये रहा 41 5 पे। 5 के बाद 10 पे उसकी वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स आपके पास 50, ये रही उसकी 50। तो ये ग्राफ आपके पास इस फॉर्म में ड्रा हुआ, ये ग्राफ ड्रा हो गया जो कि क्या है फॉरेनहाइट 95C+32, ये अमाउंट है आपके पास 10 से 50, ये पॉइंट है आपका 5 से 41, ये पॉइंट है आपका 0 और 32 का। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट है, एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट। 1 रुपीज को स्टूडेंट्स हम वाई सपोज कर लेते हैं और 1.86 डॉलर्स को हम एक्स सपोज कर लेते हैं। तो अब स्टूडेंट्स ब्लॉक बनाएंगे, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू हम क्या ले रहे हैं 0, तो वाई 0 आ गया। फिर स्टूडेंट्स हमने डिनोमिनेटर को इजीली डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट करना है,
एक्स की वैल्यू मैं 86 ले रही हूँ, तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 1। अब उसके बाद मैंने 86 का डबल लेना है, 86 का आपके पास डबल क्या होगा 172। देखें 172 अगर मैं लेती हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है 2। आगे बात समझ स्टूडेंट्स, अब इसको मैं ग्राफ पे शो कर देती हूँ। वन टू ये y और ये x, x पे आपके पास डॉलर्स हैं और y पे आपके पास क्या है रुपीस है। अब इधर स्टूडेंट्स वैल्यू अमाउंट मेरे पास लार्ज है तो इसलिए मैं 20-20 का गैप ले रही हूँ। 20 आप अपनी अमाउंट के लिहाज से अपना स्केल चेंज कर सकते हैं, 20, 40, 60, 80, 100, 110 120 स्टूडेंट सॉरी 120, 140, 160, 180। अब देखिए स्टूडेंट जीरो पे जीरो होगी, जीरो पे जीरो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद 86 ये देखें 80 यहाँ आ गया मेरे पास, 86 पे क्या है 1 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इन स्मॉल बॉक्सेस में मैंने इसको चेंज कर लिया। उसके बाद 172 यहाँ आ गया, देखें ये 70 हाफ इस इन दोनों बॉक्सेस का हाफ लिया तो वो 70 बन गया, 70 से मैंने माइनर सा डिफरेंस डिस्टेंस आगे कर लिया तो ये 2 पे आ गया। ये रहा इन पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया तो मेरा ये ग्राफ कंप्लीट हो गया। ग्राफ क्या था आपके पास 1 रुपी इज इक्वल टू 186 डॉलर, ये पॉइंट है आपके पास 86 1 और ये है 172 एंड 2, ये पॉइंट 00 है। यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई ग्राफिकली। एक्स और वाई को आपने ग्राफिकली शो करना है, ग्राफिकली इनकी वैल्यू ऑब्टेन करनी है। पहली इक्वेशन है स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर की तरह, प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, बट वहाँ डिफरेंस ये था कि आपने एक लाइन ड्रॉ करनी थी, बट यहाँ पे आपने कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है 2। स्टूडेंट्स वाई आपके पास इक्वेशन की एक साइड पे रहा, एक्स आपके पास इक्वेशन के अदर साइड पे जाके किस में चेंज हो गया माइनस एक्स में। तो स्टूडेंट्स एक्स की वैल्यू मैं सपोज कर रही हूँ जिससे मेरे पास किसकी वैल्यू निकल आएगी वाई की वैल्यू निकल आएगी। ये आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो ये देखें हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं वाई एक्स उधर चला गया माइनस एक्स। ये फॉर्म आपको कन्फ्यूजन कर रही है तो आप इस फॉर्म को कंसिडर कर लें। एक्स वाई एक्स की पहली वैल्यू माइनस वन ली तो वाई की वैल्यू 1 आई, फिर एक्स की जगह 0 पुट किया तो वाई की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। एक्स की वैल्यू 1 ली तो वाई की माइनस 1 आ गई। अब ये मैं दूसरी ग्राफ के लिए इसको सॉल्व कर रही हूँ। फ्रेंड्स वाई माइनस का है तो इक्वेशन की अदर साइड पे जाके वाई किसका चेंज हो गया, वाई चेंज हो गया प्लस में। तो या अब स्टूडेंट्स हम एक्स की वैल्यू सपोज करते हुए वाई की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। एक्स और वाई एक्स की वैल्यू स्टूडेंट्स देखिए पहले मैंने वैल्यू माइनस वन पुट की, माइनस वन टू वन माइनस वन से मल्टीप्लाई हुआ माइनस टू हो गया, माइनस टू में आपने माइनस वन पुट की इसमें एक्स की जगह आपने पुट कर लेना तो क्या आएगा आपके पास 1। जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। ये रिजल्ट आ गया। अब इन रिजल्ट्स को स्टूडेंट्स मैंने ग्राफ ड्रॉ करना है, इस क्वेश्चंस के लिए ग्राफ देख लें।
x, x dash, स्टूडेंट्स y और नीचे आपके पास y डैश वैल्यू ले रहे हैं, 1, 2, 3, 4, -1, -2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4. अब स्टूडेंट्स पहले मैं एक साइड ड्रॉ कर रही हूँ. देखें x की वैल्यू -1 थी तो y की आपके पास क्या आई, 1. x की -1 और y की 1. -1 पुट की x की, -1 पे ये रहा 1 और उसके बाद 0, 0, ये पॉइंट रहा 0, 0. उसके बाद x की 1 और y की -1, तो ये रहा वो पॉइंट. इन पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हूँ. देख लें, ठीक स्टूडेंट्स, इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर दिया मैंने, ज्वाइन कर दिया. अब ये लाइन मेरे पास जो बनी है वो लाइन है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक लाइन बन गई. अब इसी ग्राफ पे स्टूडेंट्स ये मैंने दूसरी लाइन बनानी है जो 2y-3+0. अब इस पे देखें, -1 पे 1, x की वैल्यू -1 और 1 ये रहा, -1 और 1, इस लाइन के लिए ये पॉइंट आ गया. उसके बाद x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, ये पॉइंट आ गया. उसके बाद x की 1 और y की 5, ये पॉइंट आ गया. तो ये लाइन आपके पास स्टूडेंट्स यूं पास हो रही है, इस लाइन क्या है आपके पास 2x-y+3=0. ये पॉइंट है आपके पास 1, 5 का, ये पॉइंट है 0, 3 का. तो ये पॉइंट है वो पॉइंट जिस पे उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो हम इसको शो कर देंगे xy=-1 and 1. ये आपका फॉलोइंग पॉइंट्स हैं xy, -1 और 1. ये आपका एक्सरसाइज 8.3 का स्टूडेंट्स आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें x और y की वैल्यू है -1 और 1. हमने ग्राफिकली इनकी वैल्यू ऑब्टेन कर ली दोनों की, जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट आपके पास होगा. ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स. अब आपके पास क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 के लिए सॉल्व करें. x+1 स्टूडेंट्स y इक्वलिटी के अदर साइड पे जाके प्लस हो गया, तो इसका बॉक्स ड्रॉ हो जाएगा अब आपके पास. x की वैल्यू स्टूडेंट्स आपने ली सबसे पहले -1 पुट की तो y 0 हो गया. फिर x की आपने क्या पुट की, 0, तो y की 1 आ गई. फिर x की आपने पुट की 1, तो y की 2 आ गई. ठीक है, आप स्टूडेंट्स इसी तरह दूसरी इक्वेशन सॉल्व कर लेते. x बच्चे ये -1 था, अदर साइड पे आपके पास +1 में चेंज हो गया और ये -2y है दूसरी साइड पे जाके 2y. अब इससे हमने y को डिवाइड करना है, +1/2=1, ये फॉर्म बन गई. बच्चे मैंने डिनोमिनेटर को फिनिश करना है, इसलिए मैंने ऐसी वैल्यू सपोज करनी है कि मेरे पास डिनोमिनेटर में कुछ ना बने. अच्छा, अगर स्टूडेंट्स मैं -1 पुट करती हूँ, -1 और ये 1 0 हो गया, तो y भी क्या आ गया आपके पास 0. अब उसके बाद मैं पुट करूँगी अगर इधर 1 पुट करती हूँ, 1 और 1, 2, 2 से 2, तो ये मेरे पास आंसर 1 आ गया. अब उसके बाद मैं यहाँ पे 3 पुट कर देती हूँ, 3 और 1, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया. x की वैल्यू देखें स्टूडेंट्स, 3 पुट की, 3 और 1, 4, 4 को 2 पे डिवाइड किया
तो टू आंसर आ गया. ये दोनों मेरी लाइंस की वैल्यूज मैंने ऑब्टेन कर ली. अब इसे मैंने ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने लगी. तो देखें स्टूडेंट्स, ग्राफ पेपर के लिए माइनस वन, माइनस टू, वन, टू एंड थ्री. माइनस वन, माइनस टू, वन, टू, थ्री. ये स्टूडेंट्स वाई है. एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, मतलब नेगेटिव की वैल्यू. पहली लाइन बचे, मैं पहले इस लाइन के अकॉर्डिंग सॉल्व करी. माइनस वन पे एक्स की वैल्यू माइनस वन और वाई की जीरो, ये वो पॉइंट आ गया. माइनस वन, माइनस वन और ज़ीरो. अगला पॉइंट है ज़ीरो और वन. अब एक्स ज़ीरो हो जाएगा. ये देखें एक्स की वैल्यू ज़ीरो और वन. उससे नेक्स्ट पॉइंट वन और टू, ये रहा. इन पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया. ये पॉइंट क्या है आपके पास, वन एंड टू. तो ये लाइन है बच्चे मेरे पास एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो. अब स्टूडेंट्स पहली लाइन मैंने ड्रॉ कर दी. अब दूसरी लाइन की तरफ हम आ रहे हैं. दूसरी लाइन में है माइनस वन और ज़ीरो एक्स की वैल्यू. अगेन यही पॉइंट आपके पास माइनस वन और ज़ीरो. फिर आपके पास वन एंड वन, ये रहा वन एंड वन. फिर आपके पास थ्री एंड टू, ये रहा थ्री एंड टू. तो बच्चे ये लाइन आपके पास इस फॉर्म में ड्रॉ हो रही है. फ्रेंड्स मैं फ्री हैंड ड्रॉ कर रही हूँ, इसलिए माइनर सा डिफरेंस आ जाता है पॉइंट्स में. देखें इस पॉइंट पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर गई, माइनस वन और जीरो वाले पॉइंट पे. और ये लाइन है मेरे पास एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस वन. ये लाइन है एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस वन. ये पॉइंट है आपके पास थ्री और टू का. ये पॉइंट है वन एंड वन का. और स्टूडेंट्स आपके पास जो सॉल्यूशन पॉइंट निकालना था एक्स एंड वाई का, जो कि किसके इक्वल आया माइनस वन और ज़ीरो के. ग्राफ के अकॉर्डिंग में एक्स और वाई का सॉल्यूशन पॉइंट मिला, मतलब एक्स की वैल्यू माइनस वन आई और वाई की वैल्यू आपके पास क्या आई, ज़ीरो. ये क्वेश्चन आपका वाइंड अप हो गया.